भाई चूतिया है क्या? निकले बहुत दिनों बाद, तो अभी पूरा कॉल स्टार्ट कर दिए बाइक को, क्या ही साउंड आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सबसे पहले सॉरी, तो एक महीने से अपने चैनल पे कुछ भी ब्लॉग्स नहीं आ रहे, तो वो सबके लिए सॉरी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, देखो बारिश का टाइम था अभी, तो बारिश में मैं रिकॉर्ड कर सकता था, बट अभी ये अपना GoPro न्यू है, और ये GoPro लेने में भी मेरे को 1 से 1.5 साल चल गया है GoPro लेने में, तो फिर अभी मैं बारिश में निकाल सकता था। लेकिन देखो अभी क्या वाटरप्रूफ है, बट इसका अगर माइक लगाएंगे ना GoPro में तो, और यहाँ पे नया बन गया है पुलिस शव की GoPro के बाजू में एक ढक्कन जैसा रहता है, वो ढक्कन हटाना पड़ता है, तो वो ढक्कन हटाने के बाद ये GoPro वाटरप्रूफ नहीं रहता है। तो फिर मैंने सोचा रिस्क नहीं लेना, फिर मैं यूट्यूब में देखा ये वो, कोई कुछ अलग लगा रहा है, कोई वाटरप्रूफ केस लगा रहा है, तो फिर मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ। फिर मतलब जाने दो यार, अभी ये GoPro लेने में मेरे को 1-1.5 साल लग गया, इतना मेहनत से मिला, और उसके बाद अभी बारिश में थोड़ा भी रिस्क लिया, तो वो अगर GoPro ख़राब हुआ तो फिर भाई मेरा ब्लॉग बंद हो जाएगा। तो उससे से मैंने सोचा कि रेन तो अभी 1-1.5 महीने के लिए बंद ही रखते, तब तक मैं मिनी ब्लॉग्स बना के डालूँ। और यहाँ पे आ गया, देख रहे हो भाई, पानी पानी पानी। मैंने स्लो क्यों किया मालूम है आप लोग के पीछे देखोगे, ये देखो पीछे देखो पूरा पानी है, और पीछे देखो एक मडगाट नहीं है, इतना स्लो चलाया देखो तभी भी पानी हो रहा है। हाथ क्यों रख रहा है, कार वार का छिट्टा आया, GoPro ख़राब ना हो जाए यार। देखो अभी कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग कमेंट करेंगे, लेकिन अपने को थोड़ा सेफ्टी चाहिए। जब इसका वाटर प्रूफ केस आ जाएगा तो उसके बाद बनाएंगे बारिश में। बाकी थोड़ा घिसते हैं अभी, कल वगैरह में तो लेके घूमते रहता हूँ मैं बाइक, लेकिन आज ऐसे ब्लॉग करने के लिए निकला हो तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ भाई आज मैं कुछ ऐसा ब्लॉग लोग शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छा फील भी आ रहा है। देखो बच्चे लोग का भी क्या रिएक्शन आ रहा है, थोड़े दिनों पहले मैंने अपने बाइक के अंदर फुल टैंक फुल किया था, और उसके अंदर डाला था कार्बन क्लीनर, तो डाला मैं, और फिर गया एक राइड भी करके आया, फिर ताकि आधा हो गया, फिर उसके बाद मैं यहाँ लोकल में घूमा था, ऐसे घूमते घूमते पेट्रोल खत्म हो गया, तो 2-3 लीटर पेट्रोल बचा था। उसके बाद भी मतलब गाड़ी चली नहीं रही थी, ऐसे रेस दे रहे तो थोड़ा चल रही फिर अटक गया, ऐसे लग रहा है कि पेट्रोल खत्म हो गया, मतलब गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही थी, ऐसा सीन हो गया था। तो उसको हम लोग धक्का मारते मारते चालू करते करते लाए, फिर मैं बाइक एक दिन घर पर खड़ा कर दिया। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि भाई मैं गाड़ी को रिटर्न स्टार्ट करके देखता हूँ, तो फिर बाइक को मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गई तो, और टाकी को पूरा फुल कर दिया। तो भाई उस टाइम तो एकदम मस्त चल रही है बाइक, तो ऐसा सीन हो गया था। तो उसके बाद से मतलब वही लास्ट टैंक फुल किए, उसके बाद अभी देखो अभी आधा टैंक फिर से होने वाला है, तो फिर से अभी मैं थोड़ा भी खींच रहा हूँ ना, तो ऐसा मेरे को झटका दे रहा है बाइक, तो वही अपने को टैंक को फिर से फुल कराना पड़ेगा। अपने बाइक में ऐसा कार्बन क्लीनर डाल रहे हो नहीं, 3 से 4 बार अपनी बाइक का टैंक फुल रखो, तभी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और आपके इंजन में, बाइक के इंजन में जो भी है ना कार्बन रहता है, जमा हुआ रहता है कचरा काला काला, वो सब निकल जाएगा। देखो अभी मैं लास्ट तक खींच रहा हूँ ना, देखो हाँ देखे अभी मैं से लास्ट तक खींचा ना इसको, तो ऐसा मेरे को थोड़ा थोड़ा इसने पिकअप छोड़ा, देखते हैं कहाँ तक चलती है, बाकी अपन तो भगाते ही रहेंगे। थोड़ा थोड़ा मौसम सही है, सोचा चलो अच्छा ब्लॉग बन जाएगा, वही फिर बारिश स्टार्ट हो गया। आए करो आए, आए ट्रक वाला भी खुश हो गया, चलो गए थे अपने फ़ोन का एक कवर लेने, फ़ोन तो जेब में है, कवर तो मिला बट लेकिन अच्छा वाला नहीं मिला, तो फिर हम लोग ने कवर नहीं लिया, कैंसिल कर दिए। और तुम्हारे भाई का ग्लव्स, हाँ आगे आ जा आगे, अब आपन यहाँ पे आगे रुकते हैं, यहाँ पे पहले स्टोरी डाल दे। हाँ भाई चैनल का नाम बताओ ना तुम्हारे, आरजी आरजी राइड। आप लोग कहाँ से हो? वाली मैं भी यहीं से हूँ अपना, तुंगार फटा मालूम है ना, तुंगारी सर वहीं से। आरजी राइड हाँ, आरजी स्पेस मत दो, स्पेस मत दो, RIDE RIDE हाँ आएगा देखो, हाँ यही है। हाँ हाय किया उनको मैं, हाँ चलो। तो यहाँ पे अपने कुछ भाई लोग मिल गए थे, चलो हाय करो हाय करो। हाँ भाई चलो बाय बाय, मतलब ऐसे लोग ऐसे मिलते हैं बीच में रुका के ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
चलो स्टोरी हो गया आज का। ओके चलो स्टोरी डाल लेते फटाफट। चलो भाई, चलो भाई, बाय बाय यार। मतलब क्या ही फीलिंग है यार, ऐसे रोड में ऐसे रुका के फोटो वोटो ऐसे अच्छा लगा मेरे को। मतलब मिले और पूछते ना ऐसा लोग बीच में रुका कि भाई यूट्यूबर हो, तो मतलब अलग ही लेवल का फीलिंग आता है। तो फोटो लेते हैं भाई अभी फटाफट। ये हो गया। और मतलब मैं फोटोज वगैरह क्यों ले रहा, अपने को इंस्टाग्राम में अपलोड करने के लिए। अच्छा देख रहे हो, बस मैं ऐसे नॉर्मली फ़ोटो लेता अपने खुद से और एडिट भी खुद से करके अपलोड कर देता हूँ। और बहुत लोग मेरे को कमेंट वमेंट करके पूछ रहे थे मैसेज में कि भाई आप फ़ोटो कैसे ले रहे हो, क्या है कैमरा है क्या। नहीं भाई देख लो, नॉर्मल ये मेरे पास जो फ़ोन है मैं इससे ही शूट करता हूँ। देख लो जो भी, ये 14 Pro Max है, मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। ये देखो 3x देखो इसका, एकदम मतलब DSLR फेल है भाई। सबसे भाई यार सबसे मेन बात तो आगे वाले टायर में हवा ही नहीं है, है मतलब बहुत कम हवा है और तभी भी मैं ऐसे ही चला रहा हूँ। चलो तो मतलब आज खींचे वीचे नहीं, हम लोग नॉर्मली चलाए जैसे चलाते हैं। आने वाला है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को आप लोग को पता ही है क्या होता है भाई, बाइकर्स का मेला लगता है। और हमें इतने बाइकर्स आते हैं, इतने बाइकर तो पहले से प्रिपेयर होके रखा हूँ। तो वो मेरा एक फ्रेंड जो मिला था आज हैरी, वो भी बोलता है भाई अभी मैं तो अभी से रेडी हूँ। मतलब चलो भाई सब रेडी है, मज़ा आएगा। तो अभी देखो अपनी बाइक का टैंक भी आधा हो गया है, तो अभी चलते हैं इसका टैंक फुल करेंगे और उसके बाद फिर कल के लिए मस्त बाइक को पूरा धो तो दिया है मैंने आज, पूरा बाइक चमक गई है। तो अभी घर पर चलते हैं, पॉलिश वॉलिश कर देते और उसके बाद मस्त चमकाएंगे। फिलहाल अभी बहुत लोगों को मतलब पता होगा कि मैं कहाँ रहता कहाँ नहीं। ए भाई चूतिया है क्या एक नंबर का यार, ऐसे चूतिए लोग आते किधर से यार, सिग्नल उगनल दिए नहीं, यही साइड घूमे जा रहा है। अभी मेरे को फिर से दिक्कत आ रहा है अपनी बाइक के अंदर, और यार इस दा जूड़ी और आप पीछे गया जूड़ी हो, दिक्कत आ रहा है। देखो अभी जैसे मैं फुल थॉटल ले रहा हूँ ना, तो बाइक हल्का हल्का ऐसे झटके दे रही है, तो मालूम पड़ रहा है कि हाँ भाई अभी टाके फुल कराना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने डाला था बाइक के अंदर कार्बन क्लीनर, तो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके वजह से आपके इंजन के अंदर जितना भी कार्बन रहता है ना तो सब क्लीन हो जाता है। और टैंक को तो हमेशा फुल रखना चाहिए। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। यहाँ पे घिसते हैं और फिर ब्लॉग का एंड कर देंगे। भाई फुल टोटल लेने पे तुरंत मालूम पड़ रहा है भाई, ताकि फुल करना है तो करना है। चलो फिर आई होप आप लोग को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते किसी ऐसी वीडियो के साथ। राइट सेफ, राइट हार्ड एंड एंजॉय करते रहो और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो, ठीक है। चलो घिसते हैं।